कोर्स था जिसमें हमने बहुत सारे 15 डिजाइन कवर किए हैं। सो ये हमारा 3 टियर वेडिंग केक का कोर्स है जो हमारे बिगनर टू प्रो बेकिंग प्रोग्राम में इंक्लूडेड है। सो अभी ये क्लास में आप क्या क्या सीखोगे, ये क्लास में जब आप आओगे तब आपको मेन सिखाया जाएगा कि केक का स्ट्रक्चर कैसे रेडी करना है, आप स्केच कैसे बनाओगे, केक को डिज़ाइन कैसे करोगे, फ्लावर कैसे प्लेस कर सकते हो, कलर शेड्स कैसे बना सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आपको ये क्लास में सीखने मिलेगी। सो अभी मैं आपको बताऊंगा कौन से स्टूडेंट ने कौन सा केक डिज़ाइन किया है। ये केक बनाने की श्रद्धा ने इसमें हमने बताया कि आप टेक्स्चर कैसे दे सकते हो विद द हेल्प ऑफ फोर्क, और हमने इसमें बीच वाले टियर में बताया है कि आप ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन कैसे क्रिएट करोगे, और इसमें हमने फ्लावर प्लेसमेंट बताया है। ये केक बनाए हैं कौन सी है, इसमें हमने बताया है कि आप डिफरेंट शेड कैसे क्रिएट कर सकते हो वाइट बेस के ऊपर, ये बीच वाले टियर में हमने वो किया है। इसी के साथ हमने इसमें बताया गोल्डन ड्रिप्स आप कैसे दे सकते हो, दो अलग तरीके से फ्लावर प्लेसमेंट कैसे कर सकते हो, ये हमने ये केक में कवर किया है। इसमें हमने बताया कि फॉल्ट लाइन कैसे क्रिएट कर सकते हो, उसी के साथ उसमें टेक्स्चर कैसे दे सकते हो, ये हमने इसमें कवर किया है। इसी के साथ हमने इसमें फ्रिंज बनाई है R17 मॉडल से। ये केक बनाए हैं वैष्णवी ने, इसमें हमने और अलग तरीके से फ्रिंज बताई है, गोल्डन आप कैसे कवर कर सकते हो केक को, पूरा गोल्डन लुक कैसे दे सकते हो वो हमने बताया। इसी के साथ हमने इसमें डबल शेडिंग भी बताई है। सो ये केक यहीं कंप्लीट होता है। इसी के साथ ये वाला केक बनाया है राधिका ने, इसमें हमने बताया शिमर इफेक्ट कैसे दे सकते हो, अब वेव्स कैसे क्रिएट कर सकते हो, और हमने फ्रिल्स अलग तरीके से हमने नीचे वाले टियर में कवर की है। सो और इसमें हमने बताया कि आप फ्लावर प्लेसमेंट अलग तरीके से कैसे कर सकते हो। ये केक बनाया है